हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ यू आर प्रिपरेशन आर गोइंग ऑन? आपकी कैसी तैयारी चल रही है बेटा? अब आज हम इस वीडियो में बेटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपकी सारी रिवीजन कराने जा रही हूँ मैं आपको हर चैप्टर। वैसे आपको मेरी सारी वीडियोस आपके पास हैं, यू हैव टू रीड चैप्टर्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द ओल्ड चैप्टर्स विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज, मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर है जैसे लिटिल नीनो एंड माई सीक्रेट बियर, इसमें क्या है? अब आपको पता है, मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती जाऊँगी हर चैप्टर की ताकि आपकी एक बार से रिविज़न हो जाए। बेटा देखो इसमें क्या है, लिटिल नीनो एंड सीक्रेट बियर में इसके दादाजी हैं आबिद सुरती और नीनो हैं उनके उनके जो ग्रैंड सन हैं, ठीक है। इसमें जो आबिद सुरती हैं वो एक वाटर वॉरियर हैं और वो जो नीनो से नीनो के जरिए वो इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहते हैं कि हाउ वी कैन सेव वाटर, ठीक है बेटा। इसमें अब वो अब हम इस क्वेश्चन में शॉर्ट में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज डीजे डिस्क्राइब नीनो, नीनो ने डीजे को कैसे डिस्क्राइब किया? उन्होंने बताया कि नीनो उन्होंने बताया कि डीजे वाज सो कॉल्ड नीनो बेटे सॉरी वन मिनट फर्स्ट करना था वाई वाज डीजे सो कॉल्ड डीजे को उन्हें डीजे क्यों बुलाया गया? बिकॉज ही, क्योंकि जो नीनो है वो अपने दादाजी को मॉडर्न दादाजी बुला रहा है, इसलिए वो उसे उन्हें डीजे बोल रहा है। व्हाट वर नीनो फेवरेट सब्जेक्ट, नीनो के फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? एयरप्लेन्स, एलिवेटर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड इंडियन ट्रेन, ठीक है बेटा। हम शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी वो कर रहे हैं रिवाइज ताकि आपके सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएं। बट अकॉर्डिंग टू हिज ग्रैंड फादर वॉज नीनोज रियल सेक्रेट, नीनो उनके दादाजी के अकॉर्डिंग नीनो का रियल सेक्रेट क्या था? उनके रियल सीक्रेट ये था कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से, जैसे मान लो उसे कोई बात बता दो तो वो उस बात को तब तक एक्सेप्ट नहीं करता था जब तक वो उसकी पूरी अच्छे से छानबीन ना कर ले। ओके, व्हाई डिड डीजे वांट टू कन्विंस नीनो टू सेव वाटर, वो डीजे ये क्यों चाह रहे हैं कि वो नीनो को कन्विंस करना चाहते हैं सेव वाटर के लिए? क्यों? क्योंकि वो नीनो उनके दादाजी सोच रहे हैं बिकॉज ही वुड इंस्पायर हिज फ्रेंड्स आल्सो, मतलब वो अपने फ्रेंड्स को भी कहेगा और उसके फ्रेंड्स भी जो हैं बच्चे जो होते हैं एक बार से दूसरे तक जाती है बात, तो इस तरह से वो ये जो मैसेज है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं। हाउ डज डीजे डिस्क्राइब नीनो, उन्होंने डीजे ने नीनो को किस तरह से डिस्क्राइब किया? नीनो कह रहे हैं कि डीजे कह रहे हैं कि जो नीनो है, नीनो वॉज बियरली सिक्स ईयर ओल्ड, वो सिक्स ईयर्स ओल्ड के छः साल का बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है और जो उसकी जो वो मतलब यंग एडल्ट से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड इंक्लूडिंग वो कह रहे हैं कि उनके दादाजी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, उसको वो बहुत कुछ जानते हैं स्पीड इंडिकेटर्स के बारे में, एल्टीमेटर्स के बारे में। ओके, नरेट द मोटरमैन एक्सपीरियंस विद द नीनो, जो नीनो का मोटरमैन का क्या एक्सपीरियंस था, नीनो का जो मोटरमैन था वो भी एकदम से हैरान हो जाता है जब नीनो उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, अभी इसमें कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है, राजधानी इंजन में WAP 5 है या WAP 7 है, जब वो ये सब बातें पूछता है तो जो मोटरमैन है वो भी हैरान हो जाता है। बेटा मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर नोटबुक, बस हम एक छोटे उसमें डिस्क्रिप्शन में हम रिवाइज कर रहे हैं जिससे आप ये सुनोगे भी तो आपका सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, हाउ डू यू नो दैट डीजे वाज नर्वस, आपको कैसे पता चला कि जो डीजे थे वो नर्वस था जब अबाउट टॉकिंग टू नीनो रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन, जब वो नीनो से बात करने जा रहे थे पानी को सेव करने के लिए वो बहुत नर्वस थे। क्यों नर्वस थे? उन्हें यह था कि नीनो उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा भी शायद वो भी उसके आंसर ना दे पाए। व्हाई वाज नीनो गिवन अ गोल्ड स्टार एट स्कूल वन डे, नीनो को स्कूल में गोल्ड स्टार क्यों मिला था? बिकॉज ही हैज रिटन अ ऐसे, उसने एक ऐसे लिखा था टू किस टॉपिक पे लिखा था, हाउ टू सेव वाटर, और वो अपने दादाजी को आके दिखाता है कि देखो आज मुझे 5 स्टार गोल्ड स्टार मिला है, क्योंकि उन्होंने उसने एक पहले ही जबकि उसके दादाजी उनसे बात करने वाले थे लेकिन वो पहले ही आके बताता है कि आज ऐसे ऐसे हुआ और उसे गोल्ड स्टार मिलता है। और नीनो ने कौन, बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट नीनोज मैथड टू सेव वाटर, नीनो ने कौन कौन से मैथड्स बताए सेव वाटर के लिए? उसने ये बताया कि हमें ड्रिपिंग टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और जो हमारा वाटर है हमें मान लो हमारी बॉटल्स वगैरह में बच गया है वो हमें प्लांट्स में डाल देना चाहिए। ओके, और नीनो हैड डिसाइडेड दैट ही वुड यूज़ ओनली वन बकेट ऑफ वाटर, मतलब नहाने के लिए बकेट का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ शावर। इस तरह से उसने बताया कि अगर एक बच्चा ये बातें सोच सकता है और कितना पानी बचा सकता है तो बड़े कितना बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक डीजे फेल व्हेन, उसे कैसा लगा जब डीजे ने, डीजे को कैसा लगा जब नीनो ने अपना
उसको ऐसे डिस्क्राइब किया। जब नीनो ने वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। बेटा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में से लर्न कर लेना। और जो उसके दादाजी हैं वो बिल्कुल एकदम से सरप्राइज रहते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी 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 बातें सोच रहा है। तो यदि हम ये सब बातें अगर हम बड़े सोचें तो हम कितना वाटर सेव कर सकते हैं। वाटर स्कार्सिटी इज़ अ प्रॉब्लम विच मैनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। जो ये वाटर की प्रॉब्लम है इसे बहुत से लोग अवेयर नहीं है। क्या आप जानते हो वे, क्या आप चाहते हो, वट डू यू थिंक अकाउंट्स फॉर दिस इग्नोरेंस। भी आप इसके बारे में क्या सोचते हो। जो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से अवेयर नहीं है, जानबूझ के मतलब समझते हुए भी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए हमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जानी चाहिए, लोगों को काफ़ी अवेयर करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आई वुड हैव टू बी फुली प्रिपेयर, ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी उनके दादाजी ने। हु सेज दिस, डीजे सेज दिस, बट वुड द स्पीकर हैव। उन्हें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना था, उन्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना था कि जो नीनो है वो उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेगा। हाउ ही डज ही प्रिपेयर, उन्होंने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया उसके दादाजी ने। ही प्रिपेयर हिमसेल्फ बाय प्लानिंग, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने मन में पहले ही सोच लिए भी, ये नीनो ये पूछेगा तो मैं उसका ये आंसर दूंगा। इस तरह से उसने अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लिया। नाउ आई वाज मोर इंट्रिग्ड, इसमें के स्पीकर कौन है, जो यहाँ पे स्पीकर है वो डीजे ही है यहाँ पे भी, नीनो के दादाजी। वाई वाज ही इंट्रिग्ड, वो बहुत ज़्यादा इंट्रिग्ड क्यों थे, बिकॉज नीनो हैज जस्ट टोल्ड हिम दैट ही हैड, क्योंकि हैड रिटन एसे ऑन हाउ टू वाटर सेव। क्योंकि अभी अभी नीनो ने ये बताया था कि उसने एक ऐसे लिखा है, अब उसने ये लगा कि अब तो मुझे और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वाटर सेविंग पे। वट डिड ही लर्न इमिडिएटली आफ्टर, उन्हें क्या पता चला मतलब इसके बाद एकदम से। नीनो इमिडिएटली फॉलोड इट अप बाय सेइंग दैट इट वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही सिंपल है। दो दे कुड नॉट से, वो कहता है कि नीनो कहता है चलो हम बड़ी बड़ी नदियों जितना पानी तो नहीं बचा सकते, लेकिन यदि हम थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स भी बचाते हैं तब भी हम बहुत बड़ी मात्रा में वाटर को सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारी पोइम है वांड। वांड पोइम में क्या है, वांड पोइम में जो पोइट है वो चेतावनी दे रहा है कि हम जो एटमॉस्फेयर के साथ इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं उससे हमारा हमें क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आप इसकी वीडियो पूरी मतलब आप देख लेना, पोइम को पढ़ लेना, उसके बाद में हम क्वेश्चंस शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द सैंड ऑफ द टाइम, सैंड ऑफ द टाइम से मतलब पोइट का क्या है, जो टाइम बीत चुका है। वेयर वुड द बर्ड्स चीप फ्रॉम, जो बर्ड्स हैं वो कहाँ से चहचहा रहे हैं, जो बर्ड्स हैं वो अनसीन जगह से मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे, पेड़ इतने घने हैं। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू प्लांट, पोइट हमें क्या कह रहा है प्लांट करने के लिए, पोइट हमें कह रहा है कि हमें वी शुड प्लांट बेटर सीड्स, मतलब हमें अच्छे अच्छे बीज बोने चाहिए, जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं अच्छे अच्छे हैं उनको हमें ग्रो करना चाहिए इधर उधर फेंकने की बजाय। नेम टू थिंग्स दैट द पोइट फियर्स, किन दो चीज़ों से जो पोइट है वो डरता है, पोइट जो डरता है, द पोइट फियर्स द ब्लू स्काईज विच आर नो लॉन्गर क्लियर, जो ब्लू स्काई पहले जो ब्लू आकाश दिखाई देता था अब वो नहीं दिखाई देता क्योंकि चारों तरफ फॉग ही फॉग, डस्ट ही डस्ट है, और जो स्टार्स हैं द स्टार्स हैव बिकम डिम, जो स्टार्स हैं वो भी छिप गए हैं क्योंकि चारों तरफ पोल्यूशन की वजह से आकाश पूरी तरह से भरा हुआ है। वट हैज़ हैपन टू द क्रिस्टल क्लियर वाटर्स ऑफ द ओशन, जो क्रिस्टल क्लियर शीशे की तरह चमकता हुआ जो ओशन का पानी था उसके साथ क्या हो चुका है, वो सारा गंदा हो चुका है। क्यों गंदा हो चुका है, हैव टर्न ब्राउन, और ब्राउन हो चुका है, दे आर नाउ लिटर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि उसमें बहुत पोल्यूशन हो चुका है, लोग उसमें गंदगी फेंकते हैं। जो ओशन का वाटर पहले क्रिस्टल की तरह क्लियर होता था अब बिल्कुल ही डस्टी हो चुका है। What action should we take up now? अब हमें क्या action लेना चाहिए, We should now plant better seeds. मतलब हमें अच्छे अच्छे plants उगाने चाहिए और pollution नहीं फैलाना चाहिए, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे मतलब points आ सकते हैं इसमें, आप इसमें ज़रूरी नहीं आप थोड़े बहुत अपनी तरफ से भी बना सकते हो। We should cultivate by removing, हमें उन सब जो अन हमारे यूज़ के नहीं हैं उन पौधों को हटा के यूज़फुल प्लांट्स लगाने चाहिए। How does the poet bring out the truth of the proverb? As you reap what you sow, मतलब कि जो तुम बोओगे वही काटोगे, इसके लिए पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट ये कहना चाहता है कि यदि हम अच्छे अच्छे जो हम ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो आज सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी वजह से है, हमने ही ये क्रिएट किया है इस वजह से, क्योंकि हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम प्लांट्स को काट रहे हैं, इतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई है। इसीलिए पोइट कह रहा है कि ये प्रोवर्ब बिल्कुल सही हमारे लिए
प्रूव हो रही है कि एज यू रीप बट यू सो, तुम वही जो तुमने वही काटोगे जो तुम बोओगे. द पॉइंट इम्प्लाइज दैट वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर ऑफ द और इट्स गिफ्ट. क्या पोइट कह रहा है कि हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नेचर ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए लेकिन हमने उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की. जैसे नेचर ने हमें प्लांट्स दिए हैं, हमने इसकी कोई वो नहीं की है, प्लांट्स को काट काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं और ग्रो करने की बजाय करते ही जा रहे हैं. डिफोरेस्टेशन बढ़ता ही जा रहा है, इसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है. यस वी आर एग्री बेटा, वी आर डिस्कसिंग इन शॉर्ट मैनर. Read these lines and answer the question that followed. अब देखो अपने poem की lines के according answer देना है. What does the poet mean by trees bearing professed love? Trees bearing professed love का मतलब है बेटा कि the poet means to say that trees express great love by, क्योंकि by providing many things. Trees ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे fruits हैं, shelter है, leaves हैं और बर्ड्स को रहने के लिए स्थान दिया. ये सब चीज़ें जो है हमें ट्रीज से मिल रही है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लास्ट टू लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, बर्ड्स चिपिंग फ्रॉम द अनसाइड. इन दो लाइनों से आप क्या समझ रहे हो? इनका मतलब ये है कि द पोइट सेज द बर्ड्स दैट यूज्ड टू चिप फ्रॉम ऑल अराउंड हैव डिसअपीयर्ड. मतलब जो पहले पेड़ पौधे इतने घने होते थे कि अगर उनमें पक्षी बैठे भी होते थे तो वो नज़र ही नहीं आते थे, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं अब वो डिसअपीयर हो चुकी हैं. What picture comes to your mind on reading these lines? इस क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? The picture appears one of the bleakness and despair. One मतलब कि ना ये सारे कि जो ये इतना पहले इतना इतने चारों तरफ हरियाली होती थी जो ये अब सब जो है देखने को नहीं मिलती. Protect what? अब इस स्टैंड के अकॉर्डिंग आपने आंसर देने. What is free? क्या free है? Natural resources like water and air, ये सब जो है वो फ्री मिले हमें नेचर से. व्हाट डज द पोइट मीन बाय द फैटल डे? फैटल डे से पोइट का मतलब है कि वो टाइम अब दूर नहीं है व्हेन वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. जब हमें हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं वो सारे हमसे चले जाएंगे, मतलब कि हम इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे. डू यू थिंक दैट द पोइट इज़ बींग अननेसेसरली अनिक्शियस? क्या आप सोच रहे हो कि पोइट ज़्यादा ही चिंतित हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि जो पोइट की चिंता है वो बिल्कुल सही है. क्योंकि यदि हम नेचर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हो ही रही है, अब हम फेस कर ही रहे हैं, जो इतनी डिजीज़ हो रही हैं वो हम फेस कर ही रहे हैं. बेटा अवर थर्ड चैप्टर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. हु इज़ मिसिज पॉल? मिसिज पॉल इज़ अ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर. वेयर डज द जी आई बी लिव? जी आई बी कहाँ पर रहती है? इन वाइड ओपन लैंडस्केप, खुले एरिया में रहते हैं. हाउ कैन वी से दैट द जी आई बी इज़ नॉट द हैवीएस्ट? बट हम ये कैसे कह सकते हैं? हम ये क्या इसलिए कह सकते हैं, जो कोरी बस्टर है अफ्रीका में पाया जाता है वो जी आई बी से भी हैवीएस्ट है. इसी वजह से जी आई बी को हम हैवीएस्ट बर्ड नहीं कह सकते. हाउ डू यू थिंक टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स अफेक्ट द जी आई बी? जो ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो जी आई बी को कैसे अफेक्ट करती हैं? जब मतलब कि ना ये इसके उसमें आ जाते हैं कंसर्न में, जो जी आई बी हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के कंसर्न में आ जाते हैं और इससे कई बार इनको शॉक भी लग जाता है, करंट भी लग जाता है. एक्सप्लेन द फूड हैबिट. फूड हैबिट्स क्या हैं जी आई पी की? फूड हैबिट्स हैं ऑन ग्रास सीड्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स सच एज ग्राउंड नट्स एंड मिलेट्स. मिलेट्स जो है बेटा ये भी एक क्रॉप है, एज वेल एज इंसेक्ट्स. मतलब ये तो इसकी फूड आइटम्स ही, इसमें इंसेक्ट्स भी हैं जैसे ग्रास होपर्स एंड बीटल्स. वाई शुड द मदर जी आई बी भी केयरफुल? मदर जी आई बी को क्यों केयरफुल रहना पड़ता है? क्योंकि उसे अपने एग को बहुत जना से मतलब बहुत सेफ्टी से रखना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ डेंजर ही डेंजर होता है. डॉग्स भी कई बार इनके एग्स को खा जाते हैं और इनको एग्स को मतलब 25 डेज पहले से ही इनको वो इसकी वो करनी पड़ती है, देखभाल करनी शुरू करनी पड़ती है. और चारों तरफ इनको जैसे डॉग्स वगैरह का भी डर लगा रहता है जो इनको खा जाते हैं. हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स आर स्टिल लेफ्ट? कितने मतलब इस तरह के बर्ड अब ओनली देर आर ओनली 150 ऑफ दीज बर्ड्स आर लेफ्ट इन इंडिया. और वेयर कैन वी फाइंड? मोस्ट ऑफ देम कैन बी सीन इन राजस्थान एंड गुजरात. वाई डज मिसेस पॉल फियर दैट जी आई बी में मीट द सेम फेट एज द डोडो? जो डोडो है बेटा ये भी एक बर्ड है जो अब देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मिसेस पॉल ये डर रही हैं अभी. जैसे इनकी हंटिंग की जा रही है, इनके एग्स सेफ नहीं है, तो ये भी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे. प्रोटेक्टिंग
एनी स्पीसीज रिक्वायर्स जॉइंट एफर्ट्स बाई रिसर्च इन। आप ये कह रहे हैं कि यदि हमें इनको GIB मतलब इन बर्ड्स को अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे एफर्ट्स करने होंगे, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट्स को, सबको मिलके काम करना होगा। तभी हम जैसे NGO सभी संस्थाएँ सब मिलके अगर काम करेंगे तभी हम इनको GIB को, इन बर्ड्स को सेव कर पाएंगे। कहने का मतलब कि एक अकेली किसी भी एक संस्था के कुछ काम करने से कुछ नहीं होता, यदि सभी के थोड़े थोड़े एक्शंस होंगे, सभी मिलके करेंगे तभी हम इनको बर्ड्स को सेव कर पाएंगे। मिसिस पॉल टेल्स अस अनूप द फ्यूचर ऑफ सेफ्टी ऑफ द वाइल्ड वाइल्ड लाइफ एंड द एनवायरमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ यंग पीपल। वो कह रहे हैं कि यंग पीपल के हाथ में। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि जो कह रहे हैं यंग पीपल हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो यंग पीपल है उनका काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी मेन रोल है कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए। इसीलिए मिसिस पॉल कह रहे हैं कि यंग पीपल जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तभी वो ऐसा कह रही हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लानिंग अ सरप्राइज। इसमें वही आपको प्लानिंग अ सरप्राइज में आपको पता ही है वो थ्री सिस्टर्स हैं जो अपनी मदर को, इनके पापा जो हैं वहाँ गए हुए हैं वॉर में, गए हुए सिविल में। तो जो इनकी मदर है, मदर और थ्री सिस्टर जो इकट्ठी रहती हैं और ये जो सिस्टर्स हैं अपनी मदर को गिफ्ट प्लानिंग करिए क्रिसमस पे सरप्राइज देने की। व्हाट वर द सिस्टर्स डू? सिस्टर्स वर जो इन द जो सिस्टर्स वर नीटिंग इन द ट्री लाइट, जो उसकी रोशनी में कुछ बुन रही है जब ये चैप्टर शुरू होता है। व्हाट डिड द बैट डू व्हेन द ग्लो, जब घड़ी में 6 बजते हैं तो बैट क्या करती है? द बैट व्हेन द बैट स्वेप्ट द हट एंड पुट अ पेयर, जो पेयर ऑफ स्लीपर्स, वो वहाँ पे उस आग के पास पेयर ऑफ स्लीपर रख के आती है ताकि वो गर्म हो जाए। जो बेस्ट एक्ट्रेस है, हु वाज द बेस्ट एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू, जो के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मैग मार्गरेट। ओके, राइट द लाइन दैट जो मटर्स, जो क्या लाइन बोलती है जब शुरू शुरू में प्ले होता है? वो पूछती है इज दैट अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी, क्या ये डैगर है जो मैंने अपने सामने देखा? डिस्क्राइब द रूम इन दैट द सिस्टर्स, उस रूम को डिस्क्राइब करो जहाँ पे वो सिस्टर्स बैठे बैठे, उसमें सारा कंफर्टेबल बताना है भी। जो दिस रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल, जहाँ पे सिस्टर्स बैठे हैं, जो कारपेट था वो फेडेड था और जो फर्नीचर था वो सीधा साधा था। अ गुड पिक्चर और टू हंग, एक दो पिक्चर्स टंगी हुई हैं वहाँ पे, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसमें बुक्स रखी हुई हैं। इस तरह से आपने रूम को डिस्कस करना है। डिस्क्राइब मिसिस मार्च, मिसिस मार्च को बताना है, मिसिस मार्च उनकी मदर है, उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज़ बतानी है। जो मिसिस मार्च है वो काइंड लेडी है, वो बहुत अपनी रिक्वायरमेंट्स को ना देख के अपनी डॉटर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। वेयर वॉज मिसिस मार्च, मिस्टर मार्च कहाँ पे? आप क्या आपको पता है जो मिस्टर मार्च हैं वो हैड गॉन टू सर्व एज अ चैपलिन इन द आर्मी, वो एक पादरी की तरह सेवा करने के लिए आर्मी में गए हुए हैं। और हमें कैसे पता चलता है? वी नो By the conversation of the daughters and with their mother. What did Mr. March letter say? Mr. March का letter में उन्होंने क्या कहा? Mr. March के letter में उन्होंने अपनी daughters को कि बहुत तारीफ़ की है, बहुत प्रेस की है। उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी daughters पे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छी daughters बन के दिखाएंगी और उनकी जो वाइफ मदर है उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। Describe how the girls plan to give their mother a surprise. कैसे जो girls हैं वो क्या plan करती हैं अपनी mother को surprise देने के लिए? वो ये सोचती हैं, अलग अलग तीनों लड़कियाँ अलग अलग सोचती हैं कि मैं perfume लेके आऊँगी, कोई सोचती है मैं pair of gloves लेके आऊँगी, इस तरह अलग अलग चीज़ें सोचती हैं वो लाने के लिए। और सोचती हैं हम सबको पैक करके टेबल पर रख देंगे, फिर मदर को कहेंगे ओपन करने के लिए। मदर ये सोचेगी कि इसमें सब डॉटर्स का सामान है बट उनकी मदर का ही सामान निकलेगा, तो इससे मदर जो है वो सरप्राइज हो जाएंगी। इस तरह से जो गर्ल्स हैं वो अपनी मदर के लिए प्लानिंग कर रही हैं। व्हाई डू यू थिंक मिस्टर मार्च लेटर मेड द गर्ल्स टेक सर्टेन रिजल्ट, मतलब कि जब वो अपने लेटर को, अपने पापा के लेटर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब उनकी मदर पढ़ती है तो गर्ल्स जो हैं वो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाती है कि उनके पापा ने उनके ऊपर इतना विश्वास दिखाया, तो वो कहते हैं कि अब हम अपनी और हम अच्छा बन के दिखाएंगे। जैसे बेटा कोई तारीफ़ करता है तो और अच्छा मन करता है बच्चों का बनने के लिए कि अब हम और अच्छा बनेंगे, ऐसे ही उनकी गर्ल्स जो डॉटर्स होती हैं वो ये कहते हैं कि अब हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, हु सेड दिस वर्ड टू हुम यू आर रेगुलर शेक्सपियर, किसने बोला था बेटा ये? बैथ सेड टू जो। व्हाट डज रेगुलर शेक्सपियर मीन? रेगुलर शेक्सपियर मीन का क्या मतलब था? कि वो बहुत अच्छी एक राइटर है, जैसे शेक्सपियर एक वेल नोन राइटर हैं तो वो उनकी तारीफ करें, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। डू यू थिंक दैट द स्पीकर इज प्लेइंग अ कॉम्प्लीमेंट, क्या तुम सोच रहे हो जो स्पीकर है कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? यस, कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने भी आप शेक्सपियर की तरह हो।
एवरीबॉडी स्निफ्ड व्हेन दे कम टू द पार्ट, इसका मतलब क्या है कि हर कोई एवरीबॉडी वाज जो उसके पास बैठे थे, अपनी मदर के पास, फायर के पास बैठे थे, मदर वाज सिटिंग इन द पिक्चर एंड मैग एंड आर्मी पर्ट, मतलब कि ना वो ये सोचते हैं कि स्निफ्ड मतलब कि जैसे उनके बिल्कुल ही एक दूसरे के पास बैठना, क्योंकि वो लेटर पढ़ने जा रही थी. वट वर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे, दे वर लिसनिंग, वो बड़े ध्यान से उन लेटर को सुन रही थी जो उनकी मदर पढ़ रही थी. विच पार्ट इज बींग स्पोकन, इसमें कौन से पार्ट की बात की गई है यहाँ पर, जब उनके फादर ने लेटर में होप्स दिखाई हैं अभी उनको अपनी डॉटर से क्या क्या होप है. बेटा वो आज अपनी नेक्स्ट पे चिल्ड्रन आवर, जो अपनी हमारी नेक्स्ट पोइम कौन सी है, चिल्ड्रन आवर, ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस हो गया आपके साथ, फिर भी शॉर्ट में एक थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है. चिल्ड्रन आवर क्या है, वही टाइम है डार्क बिटवीन द डार्क एंड डे व्हेन द नाइट इज जस्ट अबाउट टू सेट, जो बच्चों के लिए टाइम है मतलब कि जब नाइट और उसके बीच का टाइम है, और वो जो उनके फादर उनके बच्चों के लिए स्पेंड करते हैं. हुन वेयर द पोइट कैसल, जो उनकी बेटियाँ हैं, डॉटर्स इन्वेड द पोइट कैसल. हाउ डू द इन्वेडर्स एंटर, वो कैसे एंटर करती है, वो चुपके से बिल्कुल धीरे से पीछे से एंटर करती हैं कैसल में. वट डज द पोइट विश टू कीप द इंट्रूडर्स, वो क्या कहना चाहता है, पोइट कहता है कि वो इंट्रूडर्स को हमेशा अपने दिल में रखना चाहता है. वट इज़ द मूड इन द फर्स्ट स्टैंजा, इज देयर अ शिफ्ट इन द मूड इन द सेकेंड, क्या ये द मूड जो फर्स्ट स्टैंजा में है, जो पोइट है, वन ऑफ द गेटिंग प्रिपेयर फॉर वट इज टू फॉलो द मूड इन द सेकेंड स्टैंजा, वन ऑफ द ईगर एक्सपेक्टेशन, मतलब कि पहले स्टैंजा में ये है कि वो मूड देख रहे हैं भी, जैसे उसके उनके फादर को पता है पीछे से उनकी डॉटर आने वाली है. दूसरे में वो कहते हैं कि उनका पूरा मूड ऐसे होता है कि उन्हें अपने टाइम अपनी डॉटर्स के साथ स्पेंड करना है. वट डू द इन्वेडर्स डू टू द पोइट, इन्वेडर्स क्या करता है जो पोइट को, इन्वेडर्स क्या करते हैं, वो जकड़ लेते हैं अपने पापा को पीछे से अच्छे से ताकि उनके पापा मूव ना कर पाएं. कोर द लाइन्स दैट शो द पोइट वेलकम्स, किन लाइन से आपको पता चल रहा है कि पोइट ने वेलकम किया अपनी डॉटर्स का. बेटा ये भाई आई हैव यू फास्ट से लेके हार्ट तक के पूरा स्टैंजा आएगा इसमें. डिस्क्राइब हाउ द पोइट ब्रिंग्स आउट हिज अफेक्शन, किस तरह से जो पोइट है वो कैसी अफेक्शन दिखाता है अपनी डॉटर, मतलब जो पोइट है वो बहुत खुश हो जाता है जब उनकी डॉटर चुपके से आती है, उसे हग करती हैं, और पोइट ये कहता है कि वो उनको हमेशा के लिए अपने दिल में रखना चाहता है ताकि जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी, वो कहता है कि उनकी बेटियों की के प्यार को उनके दिल से कोई नहीं निकाल सकता. द पोइट यूज इज द लैंग्वेज ऑफ एन अटैक, वो ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा है पोइट, इसलिए ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है क्योंकि जैसे इन्वेडर्स हमने अपनी डॉटर्स को बोला है, जैसे चुपचाप कोई हमला करना, जबकि वो सब कुछ जान गया था, समझ गया था उसके पापा कि पीछे से वो आने वाली है, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी उनकी साउंड सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा शो नहीं किया. ठीक है, Do you think blue-eyed banditti? Who are the blue-eyed banditti? जो blue-eyed banditti कौन है यहाँ पे? Blue-eyed मतलब नीली आंखों वाली poets ही daughters को बोला है यहाँ पे blue-eyed bandits. Elise, Eliza and Edith. How have they scaled the wall? उन्होंने wall को कैसे तोड़ा? They had scaled the wall by coming in through the doors left unguarded. जो दरवाजे खुले रह गए थे. What does the speaker विश टू कन्वे थ्रो द लास्ट लाइन, दो जो लास्ट लाइन्स हैं उनसे पोइट क्या कहना चाहते हैं, द पोइट ये पोइट ये कहना चाहते हैं कि हिज डॉटर्स टू कम टू हिम एंड ही इज क्वाइट, वो पूरी तरह से प्रिपेयर था अपनी डॉटर्स का वेलकम करने के लिए. हु विल कैप देयर फॉर एवर, जो कौन रहेगा हमेशा उसकी ज़िंदगी में, उसकी थ्री डॉटर्स. वट आर द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर, डज द फोर वंस ही वांट्स टू कीप, किन्हें वो हमेशा अपने दिल में रखना चाहता है अपनी डॉटर्स को. एक्सप्लेन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन योर ओन वर्ड्स, द पोइट सेज दैट ही विल नेवर लेट हिज डॉटर्स गेट अवे, वो अपनी डॉटर्स को कभी भी वहाँ से जाने नहीं देगा, मतलब उसे हमेशा अपने दिल में रखेगा. ओके बेटा देखो बेटा, मैं फटाफट क्विक रीजन करवा रही हूँ आपकी, आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी. आप इसी वीडियो में मतलब आपके सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ डिस्कस हो गए, याद तो आपको अपनी नोटबुक में सी करने हैं. अब बेटा वही सचिन तेंदुलकर वाला चैप्टर है, सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर. इसमें क्या है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने एफर्ट्स बताए हैं कि उन्होंने कितने स्ट्रगल किए. हु डिड सचिन प्ले क्रिकेट विद व्हेन ही वाज यंग, वो किसके साथ क्रिकेट खेलते थे, वो टेनिस बॉल के साथ जब वो छोटे थे. नेम हिज फेवरेट प्लेयर्स विवान रिचार्डसन एंड उनके फेवरेट प्लेयर्स कौन कौन से थे, सुनील गावस्कर. हाउ मैनी सेट्स ऑफ क्रिकेट क्लॉथ, उनके पास कितने क्रिकेट के सेट थे क्लॉथ्स के, उनके पास ओनली वन सेट था, उन्हीं को वो वॉश करते थे और उन्हीं को वो धोते थे, सॉरी पहनते थे.
वेयर वॉज द कैंप हेल्ड? कैंप कहाँ पे लगाया गया? एट द शिवाजी पार्क. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर सचिन टू ट्रैवल टू कैंप? उन्हें कितना टाइम लगता था वहाँ जाने? इट टुक सचिन 40 मिनट्स टू ट्रैवल. उन्हें 40 मिनट्स लगते थे. वैन डिड सचिन ट्रांजिशन फ्रॉम प्लेइंग, मतलब उनकी कब ट्रांजिशन, कब चेंज हुई, जब वो टेनिस बॉल से क्रिकेट बॉल पे कैसे आए? जब उनके ब्रदर अजीत उन्हें वहाँ पे लेके गए, रामाकांत अचरेकर सर के पास लेके गए, तब उनको टेनिस बॉल्स की जगह वो क्रिकेट बॉल पे आए, क्योंकि उन्हें उन्हें खेल के दिखाना था उनकी वो उन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ रामाकांत अचरेकर सर, उनकी उनकी ऑब्जर्वेशन में ही मतलब उन्होंने सब कुछ चेंजेस किए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रामाकांत अचरेकर सर. रामाकांत अचरेकर सर पे एक नोट, मतलब कि वो एक बहुत अच्छे कोच थे और जो अजीत थे उन्होंने, उनके जो कज़न थे अजीत, वो ये चाहते थे कि उस टाइम उन्हें पता था कि बेस्ट कोच है उस टाइम के, और वो वहीं से सचिन को कोचिंग दिलाना चाहते थे. लेकिन वहाँ उन शिवाजी पार्क में उनका कैंप लगता था, कोई भी जा सकता था, लेकिन ये रामाकांत अचरेकर सर के ऊपर था कि वो किसको लेंगे. तो फर्स्ट टाइम जब सचिन जाता है तो वो सचिन डर जाते हैं कि वो मुझे इतने पास से देख रहे हैं, तो उस टाइम सचिन अच्छे से बॉल नहीं हिट करते, तो रामाकांत जो सर हैं वो उन्हें मना कर देते हैं कैंप में लेने से. लेकिन जब उनके ब्रदर फिर दोबारा से उनसे कहते हैं कि सर प्लीज़ एक चांस और दीजिए, तो अब सचिन को वो चांस देते हैं, बट इस टाइम रामाकांत अचरेकर सर ये शो करते हैं कि वो इग्नोर कर रहे हैं सचिन को, और सचिन इस टाइम बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और रामाकांत अचरेकर सर उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं. डिस्क्राइब सचिन सिलेक्शन प्रोसेस. ये सेम बेटा जो मैंने अभी आपको सारा बताया वही इसमें आया, किस तरह से सचिन जो है सिलेक्ट हुए थे. वट वॉज सचिन्स डे लाइक वंस ही वॉज एक्सेप्टेड इन द समर कैंप? सचिन का क्या डे था, मतलब क्या रूटीन था जब वो समर कैंप में मतलब कि सिलेक्ट हो गए, तो उन्हें क्या होता था, उनका बहुत हार्ड उनका वो हो गया था. सुबह उठते ही उन्हें कैंप में जाना होता था और फिर वहाँ से काफ़ी देर तक वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, फिर लंच के लिए आना होता था शाम को, फिर वापस देर तक उन्हें वहाँ पर प्रैक्टिस करनी होती थी, उन्हें अपनी वही ड्रेस सुबह डालनी होती थी, फिर आके दिन में धोते थे, शाम को वो फिर से वही पहनते थे, कई बार उनकी पॉकेट्स भी गिल्ली होती थी, ठीक है. और वो एक बस में आते थे, शुरू शुरू में उनके ब्रदर उनको, अजीत जो उनके ब्रदर थे वो उन्हें कंपनी देते थे, बाद में वो आ जाते थे अपने आप. जो अजीत वॉज अ ग्रेट इंस्पायरेशन. यस, जो उनके ब्रदर थे उन्होंने उन्हें बहुत इंस्पायर किया खेलने के लिए, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की, उन्होंने उन्हें सर से कोचिंग दिलाने में बहुत हेल्प की, उनकी बहुत वो कमियाँ बताते थे, और सचिन कभी गुस्सा नहीं मानते थे और बहुत उन कमियों को दूर करते थे. एट द एज ऑफ 11 सचिन तेंदुलकर सेक्रीफाइज द समर हॉलीडेज, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पूरा सेक्रीफाइस किया, पूरी गर्मी की छुट्टियाँ, पहले वो सुबह जाते थे, वही पूरा दिन उनका प्रैक्टिस में जाता था, इसीलिए ये कहा है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सक्सेस है वो हमारे घर चल के नहीं आती, वी हैव टू डू वर्क हार्ड. दिस टाइम सर एग्री टू लेट मी जॉइन द गेम. हु इज सर? सर कौन है? अचरेकर सर, रामाकांत अचरेकर सर. व्हाट डू यू नो अबाउट द कैंप? कैंप के बारे में आपको क्या पता है? वही कैंप की फीस, इसमें हम बता देंगे कैंप जो शिवाजी पार्क में लगता था, और यहाँ पर जो सर थे अचरेकर सर थे जो कोचिंग दे रहे थे, आप इसमें फीस बता दो भी, एडमिशन फीस और मंथली फीस. हाउ वाज द टाइम डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस टाइम? सब टाइम डिफरेंस क्यों था? क्योंकि इस टाइम जो अचरेकर सर थे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे एज दे वर इग्नोरिंग सचिन. ड्यूरिंग द बस जर्नी, बस जर्नी के टाइम वो मुझे हमेशा बैटिंग के बारे में बताते थे, क्या था, हु इज ही यहाँ पे कौन है? अजीत, सचिन के ब्रदर हैं. वेयर वुड द बस टेक देम? बस उन्हें कहाँ ले जाती थी? टू द कैंप. व्हाट डज द स्पीकर से इमीडिएटली? इसके बाद स्पीकर क्या कहते थे हमेशा, जब भी वो उन्हें कमियाँ बताते थे, स्पीकर जो थे वो सचिन थे, वो क्या थे, वो इंजॉयड द कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन मतलब इस बात को बहुत अच्छे से सुनते थे, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब उन्हें उनकी कमियों का पता चल रहा था, तो ताकि वो उनको इम्प्रूव कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल क्वेश्चन आंसर्स. ओके, आपको अपनी नोटबुक में से लर्न करने हैं एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.